morning all. In last lecture we have covered basics of petroleum engineering and what is the process that a petroleum engineering going through in his petroleum engineering life. Okay, I give you idea of discovery, then exploration, then drilling, then well completion, then well servicing and workover, then well act perforation before well activation, well servicing and workover, then well servicing and workover, then well activation, then production surface facility. See, in perforation, in exploration, we have confined that it is economically profitable to drill a well. It is decided in the exploration stage. So many parameters find in exploration stage related to the formation, are helpful in final well drilling plan. So most important property that we are evolve in exploration stage is that formation pressure. Formation pressure, pore pressure और page on pressure एक ही चीज़ होता है आपके, और ये rear wire का pressure भी कह सकते हो आप. तो ये हमने ये exploration stage में इस formation pressure और pore pressure को बहुत ही अच्छी तरीके से निकालते हैं, और ये हमारे लिए बहुत मतलब drilling के यूँ कह सकते हैं drilling का basic होता है. मतलब कि अगर आपको नहीं है pore pressure नहीं पता exactly और नियर बाई, तो आप नहीं है जो ड्रिलिंग कर रहे हो उसकी सारी कंस्ट्रक्शन गलत कर दोगे. तो वही आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन प्रेशर क्या होता है और पोर प्रेशर क्या होता है, ये एक ही चीज़ होती है, और मैट्रिक्स प्रेशर क्या होता है, दोनों मिला के ओवरबर्डन प्रेशर क्या होता है. तो ये छोटी छोटी टर्म्स आज हम नहीं है इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. देखो, ये सारे प्रेशर जो हो गया तुम्हारा फॉर्मेशन प्रेशर और मैट्रिक्स प्रेशर, ओवरबर्डन प्रेशर, फ्रैक्चर प्रेशर और ब्रेकडाउन प्रेशर, फ्रैक्चर प्रेशर और ब्रेकडाउन प्रेशर एक ही है, ठीक है. तो इन सबको हम नहीं है एक फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. मैंने आपसे कहा था कि नहीं, प्रीवियस लेक्चर में, कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो आपका होता है वह ड्रिलिंग इंजन में हर जगह यूज होता है, और इसका नहीं है मतलब ऑलमोस्ट ड्रिलिंग इस पर नहीं है निर्धारित है. तो हम पहले देखते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सिंपली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है. H हो गया तुम्हारा हाइट, सॉरी ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है, रो जी एच, ठीक है. अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने नहीं है ये तुम्हारी सब सरफेस, सरफेस है और ये तुम्हारी सब सरफेस है, यहाँ पर आपका रिजर्वायर है और मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, ठीक है. पोर प्रेशर कह लो या फिर मैट्रिक्स प्रेशर कह लो, कोई सा प्रेशर मेरे को इस पॉइंट पर निकालना है. तो बाई द यूज ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाउ कैन आई इवॉल्व पोर प्रेशर और फॉर्मेशन प्रेशर, मैट्रिक्स प्रेशर और ओवरबर्डन प्रेशर एट दिस पॉइंट. तो ये पॉइंट सरफेस से कुछ एच हाइट पर होगा, एच डेप्थ पर होगा, और इस यहां पर नहीं है जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो कॉमन होता है सबका. तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा होगा इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उस पर कोई ना कोई नहीं है, मतलब तुम्हारा पार्टिकल होगा या तो मैट्रिक्स हो सकती है या तुम्हारा फ्लूइड हो सकता है, मतलब कोई ना कोई नेचर में पेंट पार्टिकल होगा उस पर. और आप जानते ही हो कि ग्रेविटेशनल नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर पार्टिकल पर लगता है, तो यहाँ पर कोई ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, हाइट आपकी एच हो गई, और जो यहाँ पर पार्टिकल होगा उसकी कुछ डेंसिटी, सॉरी हाँ, जो पार्टिकल होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होगा, यहां से यहां तक कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होगा. इसमें फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है, मेनली रॉक प्लस फ्यूल एंड अदर कंटेंट, ठीक है, ठीक है.
पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, तो इसकी कुछ डेंसिटी होगी, इसकी कुछ डेंसिटी होगी, इसकी कुछ डेंसिटी होगी, तो मैं कंबाइनिंग इनकी डेंसिटी को रो बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस पार्टिकल पे प्रेशर लगेगा वो प्रोडक्ट होगा इसकी डेंसिटी का, जो सारा मैटर इसके ऊपर है, और इसकी डेप्थ का जो पार्टिकल लेंगे जिस पॉइंट सरफेस कितनी डेप्थ पर है, और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया हाइपोथेटिकल प्रेशर एट दिस पॉइंट, ठीक है। मैंने इसी पॉइंट से क्यों लिया, इस पॉइंट से क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप अगर इस पॉइंट से भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या होगा कि ये आपकी सरफेस है, तो यहां से यहां तक सरफेस से ऊपर तक होती है एयर, तो एयर की डेंसिटी नेगलिजिबल होती है, तो कोई फायदा नहीं है। आप ले सकते हो, किसी पॉइंट से निकाल सकते हो, इवन आप इस पॉइंट से निकाल सकते हो, इसमें क्या हाइट रिड्यूस हो जाएगी, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो सिंपली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। अब आप लेंगे इस, ये हो गई डेंसिटी, और ओवरलैंड फॉर्मेशन, और ये होगा तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये तुम्हारी होगी डेप्थ, डेप्थ और हाँ डेप्थ ऑफ द पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू इवॉल्व हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ओके। तो ये तुम्हारा होगा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में ये तो होगी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप इसकी यूनिट क्या रखते हो, इसकी यूनिट क्या रखते हो, इसकी यूनिट क्या रखते हो, फिर इन सबकी यूनिट क्या रखते हो, इसकी यूनिट आएगी, तो वो आधार पर इस फॉर्मूले की नहीं है, शेप बदलती रहती है, ठीक है। तो हम यूनिट देख लेंगे कि हमें किस चीज में चाहिए, जनरली पेट्रोलियम फील्ड में ये है, मतलब जो भी डिस्टेंस ये निकालते हैं वो हम निकालते हैं फीट में, और ग्रेविटेशनल निकालते हैं फीट पर सेकंड स्क्वायर में, और पॉइंट डेंसिटी निकालते हैं LBM पर फीट क्यूब, ओके। तो और ये तो फिर तुम्हारा नहीं है, निकल के आएगा फीट से, फीट कट जाएगा, और तुम्हारा आ जाएगा LB, यहाँ से आ जाएगा LBF, LBM पर फीट स्क्वायर, ठीक है। वो हम चेंजेज कर लेंगे फॉर्मूला, मतलब बेसिक फॉर्मूला ये होता है, आप इसमें यूनिट ये वाला आप इसमें यूनिट रखोगे उसके साथ ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा स्टैंडर्ड, लेकिन हमने ये पेट्रो मतलब अगर हम नॉर्मल फ्रूट्स की बात करें तो हमने ये यहाँ पर डेंसिटी लेते हैं, लेकिन अगर हम पेट्रोलियम फ्रूट्स की बात करें और पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करें तो क्या होता है, ये फॉर्मूले को वो ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ गया, तो मैं कहूँगा कि जो यहाँ पर डेंसिटी ली है वो हो जाएगी एक्चुअल डेंसिटी टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। यहाँ पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, सेम नोटेशन है लेकिन नहीं है, बात अलग है, ठीक है। देखो जब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या होता है, मास किसी भी पार्टिकल का किसी भी पॉइंट पर सेम होता है, ठीक है, सेम एट एनी पॉइंट, बट मास तो सेम होता है लेकिन वेट जो होता है वो ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे मैं अगर नहीं है यहां पर मतलब इस सरफेस पर नहीं वेट निकाल रहा हूं खुद का, और किसी मतलब माउंटेन पर चढ़ के वेट निकालूं खुद का, तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी आएंगी, ठीक है। ये क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण चेंज हो जाता है, क्योंकि वेट ग्रेविटेशनल फील्ड डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, और वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, ओके। तो ये होता है तुम्हारा मास, ये होता है वेट। अब डेंसिटी में हम लेते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर मैं इसमें डेंसिटी में जी का मल्टीप्लाई कर दूं, का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को इधर भी जी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम, और
इस क्वांटिटी को मैं फर्दर रो से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये रो और ये रो वाला हो जाएगा, रो से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो हाँ, ये वाली चीज आ गई। तो मैं अपनी इस डेंसिटी को, जब मैं मास अपॉन वॉल्यूम ले रहा था तो उसको बोल रहा था डेंसिटी, अब मैं वेट अपॉन वॉल्यूम ले रहा हूँ तो उसको बोल सकता हूँ वेट, मड वेट, मतलब फ्लूइड का वेट। ये हो गई फ्लूइड की डेंसिटी और ये हो गई फ्लूइड का वेट, ठीक है। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो ये आप बोल लेते हो उसको डेंसिटी तो बोलते ही बोलते हैं, साथ के साथ में वेट भी बोलते हैं, जैसे फ्लूइड का वेट, फ्लूइड का वेट, मड का वेट। तो आपके यहाँ से सिंपली कुछ नहीं है, आपके यहाँ पर जो ये रो है वो होता है डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशन, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। अगर आपको डेंसिटी दे रखी होगी ग्रेविटेशन, मतलब पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, तो आप समझ जाना कि आपको वेट दे रखा है, मतलब किसी फ्लूइड का वेट दे रखा है। और आप इसको नहीं है फ्लूइड की डेंसिटी भी बोल सकते हो, फ्लूइड का वेट भी बोल सकते हो, जैसे मड डेंसिटी और मड वेट दोनों एक ही हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है इसकी यूनिट की। तो हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और ये यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन लेकिन जो हम इसमें निकालते हैं एफबीए सिस्टम में, और इसकी यूनिट आती है वो कुछ इस तरीके से आती है कि अगर मैं डेंसिटी, मतलब ये एक तरीके का फोर्स हो गया, मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एक तरह का एक्सीलरेशन होता है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया। तो ये एक तरीके का फोर्स हो गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना मड वेट है ये, तो वेट मतलब वेट एक तरह का फोर्स है, मैं किसी चीज पर वेट लगा रहा हूँ तो फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये एक तरह का फोर्स हो गया, तो फोर्स की यूनिट आनी चाहिए। तो फोर्स है तो ये क्या हो गया, डेंसिटी इंटू जी, मतलब मास इंटू जी अपॉन बी। तो मास की यूनिट मैंने एफबीएस में डाली है, एलबीएम, एलबीएम वॉल्यूम की हो गई फील्ड क्यू, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है एफबीएस सिस्टम में, जो नॉर्मल सिस्टम होता है ऐसा ही सिस्टम, उसमें होती है 9.8, सॉरी लाइटिंग थोड़ी गंदी है, आप थोड़ा कंप्रोमाइज करो पहले दो लेक्चर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस मीटर को फीट में चेंज करूं तो 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आएगी 32.70 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये मडवेट की वैल्यू होती है, मतलब हाँ, ये डेंसिटी की मडवेट की जो वैल्यू होती है या फ्लूइड वेट की वैल्यू होती है वो होती है 32.47 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो और इसकी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस फोर्स की। तो आपने एक चीज नोटिस करी, दिखनी रहा है करते हैं। तो मैंने क्या बता दिया आपको कि जो यहां पर जो
पेट्रोलियम इंडस्ट्री का फॉर्मूला यूज लेते हैं प्रेशर का, वो होता है पी बराबर रो जी, पी बराबर रो जी, और जो रो होता है ये तुम्हारा डेंसिटी ना होकर मड वेट होता है, और मड वेट का फॉर्मूला तुम्हारा होता है डेंसिटी इंटू हाँ ये तुम्हारा मड वेट, मड वेट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू FBA सिस्टम 32.70 फीट पर सेकंड स्क्वायर और इसकी पाउंड मास, तो ये दोनों LBM दोनों को मल्टीप्लाई किया तो LBF आ गया, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन में मतलब ऐसा सिस्टम में अपने यहाँ फोर्स की यूनिट लेते हैं वो न्यूटन, मतलब मास की न्यूटन आती है जो भी होती है मास इंटू एक्सीलरेशन की यूनिट, एक्सीलरेशन की वैल्यू हम नहीं लेते ठीक है। तो जो हमारी नहीं है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला आया वो हो गया रो एच ठीक है, ये तुम्हारा हो गया मड वेट जिसकी वैल्यू आ गई LBF, देखो LBF इसकी वैल्यू आई है ऊपर फोर्स की मास इनटू एक्सीलरेशन की ठीक है, एक्सीलरेशन और ग्रेविटेशनल एक ही बात है, मतलब एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ही होता है, तो ये आई तुम्हारी मास इनटू एक्सीलरेशन की मतलब फोर्स की यूनिट, तो ये वॉल्यूम की तो रहेगी ना, तो LBF पर हीट क्यू और इसके पास फील्ड है ठीक है। अब मैं जैसे LBF पर ये वाली जो चीज मैंने बताई है ना ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं है न्यूटन की यूनिट मतलब फोर्स की यूनिट तो होती है मास की यूनिट इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट, लेकिन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में और FBS सिस्टम में फोर्स की यूनिट जो LBF है वो होती है मास की यूनिट दैट इज LBF इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट दैट इज फीट पर सेकंड स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू, मतलब ग्रेविटेशनल की वैल्यू 32.70 ये भी मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं 1 LBF इज इक्वल टू 32.70 LBF फीट पर सेकंड स्क्वायर ओके। फॉर्मूला सेम है बस नोटेशन अलग कर दिए यही फॉर्मूला, अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो वो चीज हो जाएगा, अब देखो इसकी यूनिट आएगी LBF पर फीट क्यूब और इसकी फीट एक फीट से फीट कट जाएगा तो यूनिट क्या रह जाएगी LBF पर फीट स्क्वायर ठीक है। अब देखो जो प्रेशर होता है वो हमने जनरली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में PSI में निकालते हैं ठीक है, PSI का मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच मतलब LBF सॉरी पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच मतलब LBF पर इंच स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे यूनिट किस में आई है LBF पर फीट क्यूब में, तो मैं इस फीट स्क्वायर को ना ये चेंज कर लूंगा इंच स्क्वायर में और वन फीट बराबर होता है 12 इंच, इंच की नोटेशन ये होता है और फीट का नोटेशन ये होता है ठीक है। तो मैं इस फीट स्क्वायर को उसमें चेंज करने के लिए इंच में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, देखो LBF पर फीट मैं तुम्हारे गूगल क्लासरूम में लिखे ये सब यूनिट्स कन्वर्जन है ना वो डाल दूंगा, साथ में तुम्हारी यूनिट कैसे निकाली जाती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वो भी बता दूंगा, तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा तो कोई फायदा नहीं है, मैं भी लिखूंगा ही समझाने में कुछ उसमें है नहीं, अगर नहीं समझ में बाकी बीच में आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो LBF पर फीट स्क्वायर में इसको LBF पर इंच स्क्वायर में चेंज करना है, तो देखो मैं क्या करूँगा वन फीट बराबर कितना होता है 12 इंच पर ये फीट स्क्वायर है तो वन फीट ये पर लिख लूंगा 12 इंच, तो ये फीट स्क्वायर हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई होके और ये हो जाएगा 144 इंच स्क्वायर और ये तुम्हारा है ठीक है। तो ये फीट स्क्वायर कट जाएगा तो तुम्हारा क्या बचेगा LBF अपॉन 144 इंच स्क्वायर, तो मतलब LBF फीट स्क्वायर को मैं अगर इंच स्क्वायर में LBF इंच स्क्वायर में चेंज करूंगा तो 144 का एक एडिशनल फैक्टर डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं जब ये इसको 140 इंच स्क्वायर में लिखूंगा थोड़ा तो ये 1 अपॉन 44
रो एच, यहाँ पर जब फीट में हो जाएगी एल बी एफ पर फीट क्यूब में हो जाएगी, और जो तुम्हारी एल बी एफ पर इंच स्क्वायर में हो जाएगी जिसको हम पी एस आई कह देंगे। तो ये तुम्हारा एक बेसिक बेसिक वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला निकल गया। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला पेट्रोल इंडस्ट्री में ये हो गया एफ बी ए सिस्टम में, और एक तुम्हारे एस आई सिस्टम में कहाँ था ये हो गया, और इनके सबके मैं नोट्स दूंगा। हाँ ठीक है, आप अभी सिर्फ समझ लो, इनके सबके मैं नोट्स डालूंगा मिडिल क्लास रूम पे, ठीक है, आपके ड्रिलिंग इंजीनियरिंग की क्लास में। तो ये स्टैंडर्ड का फॉर्मूला हो गया, ये तुम्हारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एफ बी ए सिस्टम में फॉर्मूला हो गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का। तो अब हमने पढ़ तो लिया कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये होता है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की हेल्प से क्या निकालेंगे हम, पोर प्रेशर निकालेंगे, फॉर्मेशन प्रेशर निकालेंगे, ठीक है, एक ही बात है, पोर प्रेशर फॉर्मेशन प्रेशर। और क्यों निकालते हैं, कि क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है निकालना, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो अब हमारा मकसद क्या रहेगा कि हमें पोर प्रेशर के बारे में जानना है कि हम क्यों निकालते हैं, इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है निकालना पोर प्रेशर ड्रिलिंग की फाइनल वेल डिजाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्सप्लोरेशन स्टेज में क्यों निकालते हैं हम, और साथ ही साथ पोर प्रेशर क्या होता है, और जैसे पहले मैं बता चुका हूँ पहले क्लास में, लेकिन दोबारा बताऊँगा इसको ब्रीफ में, पोर प्रेशर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मेट्रिक प्रेशर क्या होता है, ओवरबर्डन प्रेशर क्या होता है, ये सब आज देखते हैं, ठीक है। तो देखो पोर प्रेशर, इम्पोर्टेंट क्या होता है किसी भी ड्रिलिंग की फाइनल डिजाइन को नहीं है बनाने के लिए। देखो ये क्या करता है, जैसे मेरे को किसी ड्रिलिंग की नहीं है डिजाइन बनानी है, तो जैसे मैं ड्रिलिंग की डिजाइन बना लूंगा तो उसमें नहीं है प्रेशर को कंसिडरेशन में रखूंगा कि सबसरफेस पे इतना प्रेशर होगा तो मेरे को नहीं है यहाँ पे इस साइज की ट्यूबिंग डालनी है, इस साइज की केसिंग डालनी है। अगर मैंने देखिए प्रेशर 2000 PSI है समथिंग, ठीक है, PSI पाउंड फोर पर स्क्वायर, और मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया 1000 के हिसाब से, जब फ्लूड आएगा 2000 PSI के फोर्स से, और मैंने इसको डिजाइन किया 1000 के हिसाब से, तो ये टूट जाएगी और हमारा नहीं है ड्रिल बेल ड्रिल करने का कोई मकसद नहीं जाएगा। अगर मैंने इसको नहीं है मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दी, मतलब 3000 की दे दी, और मेरे को यहाँ पर नहीं परफोरेशन करना है सेम फ्लूड से 2000 PSI के मतलब परफोरेशन करना है, तो अगर मैं 3000 का फोर्स लगाऊंगा और यहाँ पर फोर्स यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ से तो ज़्यादा लगेगा, तो फ्लूड का कॉलम भी बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 3000 का हो जाएगा, यहाँ पर भी 3000 का हो जाएगा जब मैं फोर्स लगाऊंगा इसको मतलब परफोरेशन करने के लिए। तो ये 2000 का इधर से 2000 का इधर से 3000 का, तो ये फॉर्मेशन को ब्रेक कर देगा क्योंकि इधर का प्रेशर ज़्यादा है। तो हमको एग्जैक्ट फॉर्मेशन प्रेशर क्या है उसके हिसाब से मेरे को डिजाइन करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि फॉर्मेशन प्रेशर जब हमको मिल जाता है तो ये आपको जो फाइनल बेल फाइनल ड्रिलिंग डिजाइन होती है ना, फाइनल बेल प्लानिंग डिजाइन फॉर ड्रिलिंग, उसमें नहीं है जो प्रॉब्लम्स आती है उनको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया रिड्यूस होल प्रॉब्लम इन फाइनल बेल प्लानिंग, ठीक है, पढ़ाऊंगा ये तो फिर। सेकंड क्या होता है कि जो ड्रिलिंग मड होती है वो भी फॉर्मेशन प्रेशर के हिसाब से नहीं है, हमने ये मतलब डिजाइन करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 2000 का प्रेशर मैंने माना था सबसे लेजर वायर में, ठीक है, और मैं ड्रिलिंग ले रहा हूँ कुछ मान लो ये यार समथिंग 1000 feet है, ठीक है, और तो अगर मैं 3000 मान लू, अगर मैंने नहीं है यहाँ पर समथिंग 2 LPF पर फीट क्यूब की डेंसिटी का फ्लूड लिया मैंने ड्रिलिंग करने के लिए, ठीक है, 2 LPF पर फीट क्यूब डेंसिटी का मैंने ड्रिलिंग मड लिया ड्रिलिंग करने के लिए, भैया 1000 feet पर 2000-3000 आपका प्रेशर है। तो जब मैं इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालूंगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है rho into h, ठीक है, अपॉन 144
PSI भी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये समथिंग 2 ये हो गया, 1000 ये हो गया, और 144 ये हो गया, मतलब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3000 से कमी आएगी, ठीक है। तो मैंने ड्रिलिंग मतलब ड्रिलिंग मर्ड 2 LPM पर फीट के लिए क्यूब के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रेशर 3000 का, तो यहाँ तक आते आते प्रेशर 2000 से नीचे होगा, ठीक है, 2000 से नीचे होगा, मतलब हाँ ऐसा ही। तो जब देखिए 2000 से नीचे होगा यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, तो नहीं ये फ्लूड इसमें अनकंट्रोल्ड वे में फ्लो हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते अभी, क्योंकि हमें अभी केसिंग सेट करनी है, सीमेंटिंग करनी है, ऊपर सेटअप लगाना है प्रोडक्शन का, तो हमको ड्रिलिंग मड की डिजाइन के लिए ये फॉर्मेशन प्रेशर का जरूरी पता होना जरूरी है। अगर पर ड्रिलिंग मड डिजाइन फोर डिजाइन और ड्रिलिंग मड, देखो अगर प्रेशर फॉर्मेशन का लेकिन फोर प्रेशर फॉर्मेशन प्रेशर भी होता है, ठीक है, फोर प्रेशर कम हो गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से ऑफ मड, तो ये जो मतलब ये वाला कम हो गया इससे तो फ्लूड अंदर घुस जाएगा, जो भी हम नहीं चाहते। अगर ये ज्यादा हो गया इससे तो रेलवे का फ्लूड इसमें चला जाएगा, वो भी हम नहीं चाहते अभी। तो हमको क्या करना है, नियरली ये सेम होना चाहिए उस हिसाब, अगर नियरली सेम रखना पड़ता है, वैसे एक्चुअल में इंडस्ट्री में ये नहीं होता, लेकिन अभी के लिए आप यही मान के चलो कि ये हमको सेम इक्वल रखने पड़ते हैं। तो इक्वल आप कब रख पाओगे, जब आपको पता होगा कि प्रेशर क्या है, तो ड्रिलिंग मड की डिजाइन में आता है, ठीक है। काम आता है कि क्या ग्रेड लें, क्या स्ट्रेंथ है, देखो ये नोट्स में दे दूंगा, मैं बता तो चलता हूँ। ट्यूबिंग की डिजाइन करने में काम आता है, ट्यूबिंग की कैसी ग्रेड होगी, क्या स्ट्रेंथ होगी, केसिंग की डिजाइन बनाने में काम आता है कि केसिंग की क्या ग्रेड होगी, क्या स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। साथ ही साथ आपका BOP सिलेक्शन भी काम आता है कि हाँ एक बेल जब आप ड्रिल करते हैं तो यहाँ पर हमने ये एक बात रखते हैं, जिससे कोई अगर हम ड्रिल कर रहे हैं और अगर कोई फॉर्मेशन में से फ्लूड निकल के आ गया तो हमको इसको कैसे रोकना है, क्योंकि ऊपर आएगा तो स्पीड से आएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, जिसको ब्लो आउट कहते हैं, तो हमको कैसे रोकना है। तो हम हमेशा इस पर एक बात रखते हैं, अगर ब्लो आउट की कंडीशन है, ब्लो आउट होता है अनकंट्रोल्ड वे ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड एट द सरफेस इन द एनवायरमेंट एट द सरफेस, ठीक है, तो इसको रोकना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको बाल को बंद कर देंगे, इसको ब्लो आउट प्रिवेंटर कहते हैं, ठीक है, ब्लो आउट प्रिवेंटर मतलब ब्लो आउट को प्रिवेंट करता है, इसको ब्लो आउट कहते हैं, अनकंट्रोल्ड में जो फ्लूड आता है सरफेस पे और एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, ये एक्सपोजर की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस ब्लो आउट का BOP का प्रेशर कितना रिटेन करते हैं, मतलब BOP अगर ब्लो आउट हो भी रहा है तो कितने प्रेशर से आएगा, मान लो 3000 से आया और इसकी स्ट्रेंथ था 2000, तो इसका लगाने का कोई फायदा नहीं रहेगा, और अगर इसकी नहीं है स्ट्रेंथ हमें 4000 लेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो हमें इसके हिसाब से प्रेशर के हिसाब से BOP की डिजाइन को भी सेट करना पड़ता है, तो फोर प्रेशर आता है आपका ब्लो आउट प्रिवेंशन के ब्लो आउट प्रिवेंशन की डिजाइन में, ठीक है। 6 जो आपका ब्लो आउट प्रिवेंटर तो ठीक है, जो आपके लिए फ्लो रेट को कंट्रोल करता है, मतलब फ्लो रेट को कंट्रोल करता है, हमें प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई हमने, और जैसे कि अब नहीं हमने बैल को पूरा ड्रिल कर दिया, अब नहीं है मतलब पूरा कम, हम पहले एक्टिवेशन की स्टेज पर आ गए और हमको नहीं अब रिजर्वायर से फ्लूड निकालना है, ठीक है, तो मेरे को इस फ्लूड को कंट्रोल में करना है, तो मैं यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री
लगाता हूँ, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बाल होता है या प्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा। तो इस क्रिसमस ट्री का मेन फंक्शन क्या होता है कि इसमें एक अपर मास्टर बाल और लोअर मास्टर बाल होते हैं जो बैल मतलब बैल से जो फ्लोरेट आई है उसको कंट्रोल मतलब रेगुलेट करते हैं। तो अगर ये 3,000 का है और मैंने इसको सिर्फ 2,000 के प्रेस करके लूप कंट्रोल करने के लिए लगाया तो ये खराब हो जाएगा, मतलब कोई यूज में नहीं आएगा। तो मेरे को इसको इसके साथ मतलब मेरे को इसको इसके साथ ही डिजाइन करना पड़ता है, साथ ही साथ बेल हेड, ठीक है, जो बेल हेड होता है वो नहीं आपकी केसिंग को हैंग करने के लिए, ट्यूबिंग को हैंग करने के लिए, NRB बाल लगाने के लिए, आपकी ग्लो बैक ग्लो आउट वेंटर को मतलब लगाने के लिए काम आता है, तो वो भी नहीं है। आपके देंगे ड्रिलिंग मतलब कोर प्रेशर के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है। तो तुम्हारे साधना पॉइंट हो गया, ये सब मैं नोट्स में दे दूंगा आपको कि ये इन द डिजाइन ऑफ यूज इन द कोर प्रेशर यूज इन द डिजाइन ऑफ स्विस्ट्री एंड बैलेट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अब हमने ये पता लगा लिया कि कोर प्रेशर क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे नहीं है फाइनल बेल प्लानिंग, फाइनल बेल प्लानिंग में कि हाँ कोर प्रेशर क्यों इम्पोर्टेंट होता है आपकी फाइनल बेल प्लानिंग में, ठीक है, ये हमने सारे पॉइंट देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका कि मैंने यही बता दिया कि नहीं आपको नहीं हाइड्रो जो आपके नहीं डिफरेंट प्रेशर होंगे वो आप किस फॉर्म में निकालोगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में, और डिफरेंट आपके प्रेशर कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर्मेशन प्रेशर, मैट्रिक्स प्रेशर, ओवरबर्डन प्रेशर, फ्रैक्चर प्रेशर, ये आपके प्रेशर हो सकते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला बता दिया। हाँ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला तो मैंने बताया था, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में वो क्या बताया था, 1/144 मड वेट इंटू हाई और डेप्थ, ये थी LBF पर फीट क्यूब में, ठीक है। अगर आपके मैंने यहाँ पे डेंसिटी भी दे रखी हो ना, मतलब आपके क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी हो LBF पर फीट क्यूब में, तो आप ये इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा ग्रेविटी का वो तो अपने आप लग ही जाएगा यहाँ पे फॉर्मूले में, LG मतलब रो जी है, अगर आपको LBF पर फीट क्यूब दे रखा है तो आप डायरेक्ट रखो उसको LBF पर फीट क्यूब, और फॉर्मूले में आपको ग्रेविटेशनल तो LG को अपने आप लग ही जाएगा। तो मैं कहना मतलब ये है कि जो आपकी ग्रेविटी है मतलब जो आपका ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव किया था, तो ये आप कहते हैं LBF पर फीट क्यूब में, ये आई आपकी फीट में, और ये आई आपकी PSI में 144 का डिवाइड करने के बाद, ठीक है, पार्ट 4 पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो अब आपको लगे इनको डिफरेंट यूनिट में कैसे यूज करेंगे, क्योंकि डेंसिटी को पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एक ही यूनिट में ना यूज करके, दैट इज पाउंड फोर्स में, पाउंड पर फीट क्यूब में ना यूज करके हम लगे वो गैलन में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट यूनिट्स हैं मड वेट की और मड डेंसिटी की, तो उसी को यूज करके हम ये डिफरेंट फॉर्मूले निकालेंगे इसके। तो ये है पाउंड फोर्स पर फीट क्यूब, तो इसको पाउंड फोर्स पर फीट क्यूब, पाउंड फोर्स क्यूबिक फीट SPCF भी लिख देते हैं, ठीक है। अब मेरे को इसको जी डेंसिटी ये आपको नहीं है वो है मड वेट और मड डेंसिटी, मैंने कहा था ना एक चीज होती है पेट्रोल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो जैसे मड वेट है तो मतलब आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो मैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकता हूँ, और डेंसिटी ऑफ वाटर LBM पर फीट क्यूब में होती है 162 पॉइंट डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है आपकी 62.4 नियरली वैल्यू होती है LBM पर फीट क्यूब। ओके, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूड क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूड इंटू 62.4 LBM पर फीट क्यूब। अब मैं इस वैल्यू को इसमें रख दूंगा,
ठीक है, मतलब जो हाँ जो डेंसिटी थी एलवीएम पर फिट ट्यूब में, अब मैं उसको इस फॉर्म में रख सकता हूँ, ठीक है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूनिट नहीं होती, ये एलवीएम पर फिट ट्यूब में, ये एलवीएम पर फिट ट्यूब में। अब देखो जब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड थी वो एलवीएम पर फिट ट्यूब में थी, तो ये एलवीएम पर फिट ट्यूब में। अब मैंने इसकी वैल्यू क्या निकाली है, इसकी वैल्यू क्या निकाली है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इनटू 62.4 एलवीएम पर फिट ट्यूब। मैंने इसमें इस पर रख दिया इस वाले फॉर्मूले में, तो ये समथिंग 144 इनटू 62.4 इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू हाइट, ठीक है। डेंसिटी की जगह मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 62.4 एलवीएम पर फिट ट्यूब रख दिया, ठीक है। तो अगर आप 62.4 अपॉन 144 करोगे तो ये समथिंग आएगा 0.052, और ये आ गया आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू हाइट, और ये आ गया आपका हाइट, ठीक है। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का, एक ये हाइट। अब यहाँ पर यूनिट क्या है, यूनिट ये है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती आपकी, ये फीट में है, ठीक है। और क्योंकि नहीं है, मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए जो डिवाइड किया था वो एलवीएम पर फीट क्यूब, एलवीएम पर फीट क्यूब किया था, तो एक तरीके से इसकी यूनिट होगी एलवीएम पर फीट क्यूब, और आपका ग्रेविटेशनल फील्ड लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये हो जाएगा एलवीएम ग्रेविटेशनल फील्ड 32.40 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और एलवीएम इंटू 32.70 फीट पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं एलवीएम, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एलवीएम पर फीट स्क्वायर, और मैंने 144 का क्यों लिया था, इंच स्क्वायर में चेंज करने के लिए। तो ये तुम्हारी अल्टीमेटली पीएसआई में तुम्हारा ये फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अब देखो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो क्या क्या होती है, किस किस यूनिट में होती है, देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 62.4 एलवीएम पर फीट क्यूब, और 8.33 पीपीई यानी पाउंड पर गैलन, एलवीएम पर गैलन, ठीक है। ये वॉल्यूम की यूनिट होती है गैलन, ठीक है। तो ये तुम्हारी यूनिट होती है, और भी होती है, हाँ और भी किसी में होती होगी वो कोई बात नहीं है। तो देखो ये सब ये वाटर की यूनिट है, ठीक है। तो अगर ये वाटर की यूनिट है और तो वाटर एक ही है, तो ये सारी चीज़ें बराबर होंगी, अलग अलग यूनिट में भलेंगे लेकिन ये सब चीज़ें बराबर होंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर 62.4 एलवीएम पर फीट क्यूब, ठीक है। तो जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर नहीं है डेंसिटी ऑफ वाटर को नहीं है, मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लूँ, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वन, ठीक है, वन आ जाएगी। क्योंकि नहीं वन डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो जो आपकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ गई वो आ गई आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर। क्योंकि नहीं ये दोनों यूनिट सेम लेनी पड़ती हैं, तो मैं इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कह सकता हूँ, और ये तुम्हारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कि वाटर की हो जाती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी जब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको मैं डेंसिटी कह सकता हूँ, हाँ जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको मैं डेंसिटी कह सकता हूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा डिफरेंट यूनिट के लिए, बाय द यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन ड्राइव एनुलर फॉर्मूला फॉर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और यहाँ पर हमने जो तुम्हारी डेंसिटी हो जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर
डेंसिटी के बराबर होती है जब डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है, ठीक है। तो आपके तीन फॉर्मूले आ गए जिसमें डेंसिटी एक में तो नहीं है एल पर फीट क्यूब में, दूसरे में नहीं है तुम्हारी नहीं है डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक वेव की है, और तीसरे में आपकी डेंसिटी की जगह है वो जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसमें कि डेंसिटी पीपीजी में होती है। तो इसमें एक सेकेंड, इसमें क्या हुआ है 62.4 अपॉन 144 को अगर हम डिवाइड करें तो 0.052 में आकर यह आता है 0.433। ये भाई इसके गलत लिख गया है, मैं कैलकुलेशन करी अगर कैलकुलेशन करता तो ये सही आता 0.433। आप पीछे भी इसको सही करनी है, जो आपका ये 0.052 है ना इसको हटाकर 0.433 कर लीजिएगा। तो 62.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन जिसको लिए एल फीट के ऊपर फीट स्क्वायर को इंच स्क्वायर चेंज करते हैं उसका दोनों को मिला के 0.433 आता है, ठीक है। हाँ तो इसमें ये चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो जो एनुलर फॉर्मूला होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का वो होता है कि मैं इस डेंसिटी की जगह पर जो डेंसिटी है वो जो डेंसिटी होती है बॉडी की वो पीपीजी में होती है 1.33 PPG, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है। तो नहीं क्या मैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1.33 PPG रखूँगा तो ये हो जाएगा 0.433 डेंसिटी ये पीपीजी में हो जाएगी इनटू हाई फीट में, ठीक है। और ये तुम्हारा प्रेशर आ जाएगा बीएसएल, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.052 आपका समथिंग आ जाएगा। तो आपका एक और नया फॉर्मूला आ गया हाइपोथेटिक प्रेशर का, दैट इज 0.052 डेंसिटी इन पीपीजी एंड हाई फीट, ठीक है। तो ये आपके आए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के फॉर्मूले, ठीक है। देखो जनरली मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर इस पॉइंट को कोई मेटल है तो इसका नहीं है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालने के लिए मैं डेंसिटी ऑफ रॉक प्लस वुड प्लस अदर कंटेंट की डेंसिटी ले लूँगा कॉम्बिनेशन में। लेकिन जैसे नाम में रखा है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब वुड के द्वारा प्रेशर, तो मैंने तो यहाँ पर रॉक भी ले लिया और जनरली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है फ्लूइड के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो किसी भी पॉइंट के लिए यूज कर लेते हैं जनरली, मतलब जरूरी नहीं है कि आप फ्लूइड के लिए यूज करो, किसी भी पॉइंट के लिए आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का यूज कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आप जिस पॉइंट पर जिस चीज़ के लिए भी आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का यूज कर रहे हो उसी की डेंसिटी आपको फॉर्मूले में रखनी पड़ेगी, दैट इज जीएच में आपको उसी की डेंसिटी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डेंसिटी ऑफ रॉक प्लस वुड प्लस अदर कंटेंट के लिए, तो यहाँ पर भी रॉक भी प्रेजेंट होगा इस मैटर में, वुड भी प्रेजेंट होगा और अदर कंटेंट भी प्रेजेंट होगा। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर खाली नहीं है उसका निकालना चाहता फ्लूइड का, तो जैसे कि यहाँ पे एक कोर सैंपल है, अब इसमें लेंगे कुछ रॉक है, ठीक है, और बाकी सब कोर स्पेस है, ठीक है, इसमें भरा है फ्लूइड। अब मैं यहाँ पर फ्लूइड का नहीं है प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पर, ठीक है। तो मैं ये वाली हाइट ले लूंगा और इसी फ्लूइड का डेंसिटी लूंगा, ये पूरे का नहीं लूंगा, मैट्रिक्स का और फ्लूइड का नहीं लूंगा, खाली इस फ्लूइड का मैं डेंसिटी ले लूंगा। अगर मैं इस पॉइंट पर मैट्रिक्स की हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालना चाहता तो मैं मैट्रिक्स की डेंसिटी लेता। अगर मैं ऐसे मैटर भी नहीं है यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालना चाहता जिसमें भी है और तुम्हारी मैट्रिक्स भी, मतलब इसका निकालना चाहता अगर मैं बल्क का, तो मैं रॉक की डेंसिटी प्लस मैट्रिक्स की डेंसिटी प्लस फ्लूइड की डेंसिटी दोनों को कॉम्बिनेशन में ले लेता। तो जो तुम्हारा ये ऐसे हम निकालते हैं ओवर वाटर प्रेशर में कि नहीं, रॉक की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी दोनों कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं। तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकल के आता है किसी पॉइंट पर वो उसको बोलते हैं ओवर वाटर प्रेशर। तो नहीं है, अगर मैं दोनों मैटर की निकालना चाहता फ्लूइड की भी और मैट्रिक्स की भी, तो मैं दोनों को कॉम्बिनेशन में डेंसिटी ले लेता, दैट इज फॉर्मेशन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फॉर्मेशन और डेंसिटी ऑफ रॉक, ठीक है। तो
डेंसिटी का मतलब मतलब यहाँ पर अगर मैं मैटर की निकाली तो मैटर में रॉक भी है, फ्लूइड भी है और अदर कंटेंट भी है, ठीक है। और अगर मैंने ये खाली फ्लूइड की निकाली तो फ्लूइड की डेंसिटी लूंगा, इधर कोमा लग जाएगा प्लस में लग के, अगर रॉक की निकालूंगा तो रॉक की डेंसिटी लूंगा और अदर कंटेंट की निकालूंगा अदर कंटेंट की डेंसिटी लूंगा। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नाम से बस फ्लूइड के लिए निकाला जाता है, लेकिन इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि जैसे मैं अगर सरफेस को मान के चलूँ, ये सरफेस से ये सब सरफेस हो गई, मानिए ये सब सरफेस हो गई और ये समझ लो 1000 फीट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रॉक कुछ इस तरीके से फैली हुई होगी, यहाँ बढ़ रही होगी, फिर न्यू होगी, ठीक है, और बीच में ये वेकेंट स्पेस होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड की देखता चलूँ, फ्लूइड कनेक्टिव है, फ्लूइड कनेक्टिव है, तो जो इस पॉइंट पर फ्लूइड पर प्रेशर होगा वो इस फ्लूइड के कारण, इस फ्लूइड के कारण, ये मैग्नेट इसको तो कहीं पर सपोर्ट ही नहीं दे रहा, खाली फ्लूइड को सपोर्ट दे रहा है। तो नहीं, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो खाली फ्लूइड के कारण लगेगा। और अगर मैंने कि अगर मैट्रिक्स मान लो ऐसे, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये जो कॉलम है ये मैट्रिक्स का, ठीक है, और इस पर फ्लूइड है, तो अगर मैं इस पॉइंट में निकालूँ तो इस पर खाली नहीं है, मैट्रिक्स का वेट लग रहा है, यहाँ से फ्लूइड का भी लग रहा है, पर नहीं है फ्लूइड का मैट्रिक्स के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स का ही नहीं है, डेंसिटी लेंगे और उसी के हिसाब से यहाँ पे लेंगे इसका प्रेशर निकालेंगे, डेंसिटी और मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पूरा डिस्कशन, उसके सारे फॉर्मूले और कैसे हम नहीं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का यूज करके नहीं अपने सेवरल प्रेशर्स निकालते हैं पेट्रोलियम इंजन में। लेकिन जो तुम्हारा क्या कहते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या खाली प्रेशर को किसी भी पॉइंट पर यूज ना करके हम यूज करते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है, ये रेशियो होता है आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का और डेप्थ का, ठीक है, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके डेंसिटी के, ठीक है। ये तुम्हारी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, ये तुम्हारी डेंसिटी इन एलिप पर पी क्यू हो गई, ये तुम्हारी डेंसिटी पीपीटी में हो गई, ये तुम्हारी डेंसिटी सॉरी ये तुम्हारी डेंसिटी उसमें हो गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और ये तुम्हारा होगा प्रेशर ग्रेडियंट। तो मैं कह सकता हूँ प्रेशर ग्रेडियंट जो निकलेगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट वो डेंसिटी के बराबर हो गया, ये तो कन्वर्जन फैक्टर है, वो तुम्हारा डेंसिटी के बराबर हो गया। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मैं डेंसिटी के, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट को मैं डेंसिटी के बराबर कह सकता हूँ। इस ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी किसी भी फ्लूइड के लिए, अगर किसी की डेंसिटी 3 है तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट आएगी। और फिर मैं इसका यूज करके किसी भी टाइप का प्रेशर निकाल सकता हूँ, जैसे कि मेरे को इनमें 3000 डेप्थ पे प्रेशर निकालना है, तो P2H ये तुम्हारा हाइड्रोस्टेटिक ग्रेडियंट हो गया, और मैंने 3000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली प्रेशर निकल जाएगा, जैसे कि 0.433 इंटू 3 आपका हाइड्रोस्टेटिक ग्रेडियंट का, और इसमें देखिए मैंने 3000 का मल्टीप्लाई कर दिया मतलब डेप्थ का, माना कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट दैट पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे वेल प्लानिंग में जनरली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट ना करके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये तुम्हारे डेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम इसकी न्यूमेरिकल करेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पर, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि नहीं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का यूज करके हमने ओवरबर्डन प्रेशर मैट्रिक्स प्रेशर कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ हमने पोर प्रेशर का यूज देखा है, अभी पोर प्रेशर क्या होता है उसकी एक डेफिनेशन देखी है, लेकिन पोर प्रेशर कितना वाइड है, कितना बड़ा टॉपिक है, कितना यूजफुल है फॉर्मेशन पोर प्रेशर या फिर फॉर्मेशन प्रेशर, वो हम देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखिए हमको सारे प्रेशर कवर करने हैं, ओवरबर्डन प्रेशर मैट्रिक्स प्रेशर और पोर प्रेशर इफेक्ट ऑन पोर प्रेशर, ये सारी चीजें, और इसका न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। थैंक यू।